कि अगर हम बीजेपी को वोट दिए हैं और बीजेपी की सरकार ही आकर के मेरी नौकरी छीन ले तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, ना हम घर के रहेंगे ना घाट के, किसको जाकर के ये दर्द बताएंगे। पब्लिक को मालूम नहीं है कि एनपीए क्या होता है, बताइए ना, हम पीएचडी कर लिए हैं तब हमको अब जाकर के पता चला है कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको मैं कहता हूं, आप एक दिन इस पे सर्वे करा लीजिए, जितना कस्टमर आपके काउंटर पे आए सबसे एक सवाल पूछिए, अच्छा बताइए एनपीए क्या होता है, देखिएगा आपको कितना लोग इसका जवाब देता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसी अंग्रेजी बोलने में जी टेढ़ा करना पड़े तब पर भी जाकर के उसका असली मतलब समझ में नहीं आए। और गूगल पे जाकर के प्रॉब्लम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया जब आप टाइप करेंगे तो जो आर्टिकल सबसे ऊपर आएगा इकोनॉमिक टाइम्स का, उसमें 9 कारण दिखाए गए हैं। और उसमें पहला कारण क्या बताया गया है, पहला कारण ये बताया गया है कि रूरल एरियाज के जो ब्रांचेज हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बैंकिंग सेक्टर को घाटा हो रहा है। दूसरा कारण उसमें बताया गया है कि रिफंड नहीं होता है, जो लोग लोन लेते हैं वो रिफंड नहीं करते हैं। कौन रिफंड नहीं करता है, बड़ा एकदम हाईलाइट करके लिखा हुआ है, तो किसान रिफंड नहीं करते हैं। अब आप बताइए, आप सब बैंक कर्मी हैं, ईमानदारी से बताइए, बैंक का पैसा सबसे ज्यादा कौन चुराता है, किसान चुराता है, किसान चुराता है कि कॉरपोरेट चुराता है, कॉरपोरेट चुराता है ना। और कॉरपोरेट के साथ तो नेताजी फोटो खिंचवाते हैं मुस्कुराते हुए, सेल्फी विथ कॉरपोरेट, नहीं तो कॉरपोरेट से पैसा बैंक कर्मी कैसे वसूल लेंगे हमको बताइए। अगर लोकल एरिया का एमपी लोकल एरिया के ठेकेदार के साथ फोटो खिंचाएगा, मैनेजर बाबू का हिम्मत है कि उससे उसका गाड़ी उसके घर पर से खींच के ले आएंगे, है हिम्मत। यह है आपकी स्थिति, और ये जो स्थिति है इस स्थिति पे आप कब तक चुप रहेंगे। जितना दिन आप चुप रहेंगे उतनी जल्दी आपके पैर के नीचे से जमीन खिसकती चली जाएगी। आप सब लोग जानते हैं मुझे यूथ के तौर पर यहां बुलाया गया है, लेकिन हमारा जो जनरेशन है उसने तो AIBA बनाया नहीं है, बैंकों का यूनियन तो उसने बनाया नहीं है। कभी कभी जो है ये बुढ़ापे में जाके कहेंगे कि आ जाओ यूनियन का मेंबर बन जाओ, तो कहेगा चंदा लेने के लिए आए हैं। क्यों जरूरी है यूनियन, क्यों जरूरी है यूनाइट होना, क्यों जरूरी है हड़ताल करना, एक बात सोच करके बताइए। इतनी वाहवाही सरकार ने ली, इतना पीठ थपथपाया, 2 दिन के लिए अगर बैंक कर्मी हड़ताल कर देते तो सरकार का सारा ढोल फट जाता, सारा नोटबंदी का सच्चाई रोड पे आ जाता। कोई उलझुलूल फैसला सरकार लेती है, बैंक कर्मी पूरी ईमानदारी से उसको लागू करता है, बदले में उसको लोगों से क्या मिलता है कि बैंक कर्मी काम चोर होता है, बताइए। असल जो उसका प्रॉब्लम है कि किस वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहा है, माने हम क्या क्या बोले बैंक का आपको, मेरे घर के आसपास बैंक है, हम देखते हैं। जिस मकान में बैंक को रेंट किया जाता है, जनरेटर लगाया जाता है, मकान मालिक रात को बैंक के जनरेटर से डीजल निकाल लेता है। बोलिए ये सब होता है कि नहीं होता है। हम इसी समाज में पले बढ़े हैं और यही हमारा और आपका नाता है, यही हमारा और जो आपका नाता है उसी बेसिस पे हम आज आपके बीच खड़े हैं। और यह जो सच्चाई है, इस सच्चाई को जब आप जानते हैं हम जानते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको और हमको अलग अलग होने की जरूरत नहीं है, आपको और हमको एकजुट होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है अपने हक और अधिकार के लिए। अब सवाल यह है कि अपने हक और अधिकार के लिए आप और हम इकट्ठा हो जाएंगे तो सरकार को दिक्कत नहीं होगी। सरकार किसी नीति पे कितना भी वाहवाही लूट ले, अगर रेल कर्मी एक दिन रेल का हड़ताल कर दें, बैंक कर्मी एक दिन बैंक का हड़ताल कर दें, किसान कहे कि हम आज टमाटर नहीं उगाएंगे, मशरूम नहीं उगाएंगे, तो प्रधानमंत्री क्या खाएंगे। इस देश को समाज को चलाता मजदूर है, बदले में क्या मांग रहा है, बदले में कुछ नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमको एक डिग्निफाइड लाइफ दीजिए। क्या बैंक कर्मियों के ऊपर
जो मिनिमम आवर है 8 घंटा काम करने का, वो नियम लागू नहीं होता है। बताइए, जब तक बैंक का पूरा हिसाब नहीं हो जाए, बैंक कर्मी बैंक छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। रोज का रोज उनको हिसाब करना है। ऐसा नहीं होगा कि 2 तारीख का हिसाब 3 तारीख को करेंगे। 2 तारीख का खाता उनको 2 तारीख को ही बंद करके जाना पड़ेगा, 3 तारीख को नया खाता खुलेगा। यह जो वर्किंग कंडीशन है उनका, उस वर्किंग कंडीशन में जो वो काम करते हैं, उस काम के एवज में उनको कुछ नहीं मिलता है। और बार बार इस बात का ढोल पीटा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में जा रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में क्यों जा रही है? पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में इसलिए जा रही है कि जो सरकार के दोस्त हैं, सरकार के जो दोस्त हैं, वो बैंक का पैसा ले लेते हैं। और जो है फर्जी कागज जमा करके कौन मांगेगा? अगर हम किसान हैं, हम केसीसी कराने के लिए गए हैं, तो हमारा आप खाता खेसरा मांग लीजिएगा। अगर हम बहुत बड़का ठेकेदार हैं, तब हम दिखा देंगे कागज पे कि हमको जो है 1000 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। 2-4 गो रिश्तेदार को फोन करेंगे, कहेंगे कि 300 करोड़ तुम डाल दो, 200 करोड़ तुम डाल दो, 500 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, 500 करोड़ का मान लीजिए हम पैसा उठा लिए। 500 करोड़ का एसेट्स है ही नहीं, 500 करोड़ जो है बैंक रिकवरी नहीं कर सकती है। और जब बैंक का जो टोटल पूंजी है, जो कैपिटल है, वो लगातार कम होने लगेगा, तो सरकार कहेगी कि बैंक घाटे में जा रही है। सबसे पहली बात, 2-3 चीज को क्लियर करना चाहिए। पहला, कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? बैंकियों का राष्ट्रीयकरण मुनाफा कमाने के लिए किया गया था, तो मुनाफा तो महाजन भी कमा रहा था। जब देश में महाजनी व्यवस्था थी, तो क्या महाजन को मुनाफा नहीं हो रहा था? हो रहा था ना भाई। बैंक से महंगा लोन देता था, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देता था, लेकिन सिस्टम तो चल रहा था ना। राष्ट्रीयकरण करने का मूल उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीयकरण करने का मूल उद्देश्य यह था कि पब्लिक का पैसा डूबे नहीं,